नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोहाना में और आज यहां पे निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर कपूर नरवाल है, उन्होंने अपना नामांकन है वो वापस ले लिया है। मेरे साथ इस वक्त दो युवा हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं कि कितना असर है वो पड़ेगा। सर क्या नाम आपका? भाई मेरा नाम देवा सरफाबाद है जी। ठीक है, बाकी असारा सर कुछ नहीं, बीजेपी सरकार है जी। बीजेपी सरकार जितने काम ना तो किसी ने करवाए ना को करवा सकती जी। ठीक, अपने पहलवान है योगेश्वर भाई, भारी मतों से जीते, कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे। तो आप वहाँ थे जो जहाँ उन्होंने क्या था ये जुमलेबाजी है भाई, सारा डाल के काल तो यू उड्डन ने बिगाड़ा, दे रहा था कि नहीं दे रहा था आपके श्यामी कपूर नरवाल, नहीं दे रहा था, मीडिया में भी आ रही है वो उड्डन ने मेरा नाश कर दिया, आज यू उड्डा के लिए फार्म ठाण जावे है। ये कुछ नहीं, ये मेरे भाई सिर्फ ये सारी पार्टी भी इकट्ठी हो लो नी, चाहे ये राजकुमार सैनी भी इकट्ठा हो लो उनके गिले, लेकिन जीतता का भाई योगेश्वर। हाँ, दैट्स ऑल। आप ये कैसे दावा, ये कैसे कैसे कर सकते हैं? काम करवा रखे हैं बीजेपी ने, क्या काम नहीं करवा रहे किसान? तीन अध्यादेशों पे तो किसान नाराज है। गहराई तो चला जा भाई, तीन अध्यादेश बाबत सुन ले बात है, गहराई तो चला जा। जिसने बेरा नहीं है उन्हें बका लिया किसान ने, वो जो भोले वाले किसान उन्हें बका लिया किसान, मैं भी किसान का बेटा हूँ। ठीक है बात है, जो ये अध्यादेश है ये बहुत बढ़िया चीज लाई गई है। ये इसमें सिर्फ क्या है, जो हमारे ये पूंजीपति आदमी आ गए एड तियार हमारा की है वो बहन, जो ब्याज लाग दे सारा सिस्टम गलत कराया कर दे, मानने बात है। इस चीज के लिए किसान के लिए तो भाई खत्ता मान लाग रहा पैसा, और इससे ज्यादा क्या होगा, मानने बात है, यह बात है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते भाई। तो क्या रहेगा समीकरण? समीकरण भाई योगेश्वर भारी बहुमत से जीतेगा कांग्रेस का। जैसे आज तो कपूर नरवाल ने उनके समर्थन में पर्चा वापस लिया है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस एक तरफा है, रिंडाणा गांव से जीत का दिखा दियो। कौन ये कांग्रेस वाले जो भालू कह रहे हैं, हम भाई एक तरफ की मुझ कटा लेंगे, और इससे ज्यादा और क्या बोलोगे, कैमरे के सामने बोल रहे हैं आज ये देवा सरफाबाद नाम है। ठीक है, योगेश्वर जब जीतेगा भारी बहुमत से जीतेगा। ठीक है भाई, और बता। धन्यवाद। ठीक है, तो हमारे साथ एक युवा थे जिन्होंने ये दावा किया है कि इस चुनाव में कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपनी मूछ मुंडवा लेंगे। हालांकि बड़ौदा में उपचुनाव है और 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा, आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से समीकरण है, किस किस तरह से बदलते रहेंगे। लेकिन आज डॉक्टर कपूर नरवाल ने कांग्रेस के समर्थन में अपना पर्चा वापस ले लिया है, निर्दलीय प्रत्याशी बलराज कुंडू भी उनके समर्थन में आ गए हैं, आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से ये चुनाव है वो आगे की करवट लेता है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।